ट्रेन फुल स्पीड में चली जा रही थी। रागिनी और उसके मम्मी पापा ट्रेन में उसके साथ सफर कर रहे थे। चाय वाला चिल्ला रहा था, चाय ले लो, गरम गरम चाय। फिर पानी वाला आया, पानी पानी, ठंडा पानी, 20 का 1 ठंडा पानी। फिर पान मसाले वाला आया, 14 का 2 राजहंस पान मसाला, तिरंगा पान मसाला, इसमें है केसर का दम, खाइए और कामयाबी की बुलंदियों को छू लीजिए। पापा कितना शोर शराबा कर रहे हैं ये लोग। हाँ कभी कभी तो हद कर देते हैं ये लोग। इनका यही काम है, इसी से इनका पेट भरता है। अब तुम्हारे पापा का गांव आने वाला है, सीतापुर से 40 किलोमीटर दूर है। अभी जो स्टेशन आएगा, सच में मैं गेट पर जा रही हूँ, वैसे भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रागिनी उठकर गेट पर आ गई, ठंडी ठंडी हवाओं का वो आनंद लेने लगी। ट्रेन फुल स्पीड में चलती जा रही थी, ट्रेन हॉर्न बजाकर रास्ते को चीरते हुए चली जा रही थी। अंधेरे में वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूर गांव में टिमटिमाती लाइट दिख रही थी। तभी अजीब सी हवा चली और रागिनी का दुपट्टा उड़ गया। रागिनी गिरते बची, वो वापस आकर बैठ गई। मम्मी मेरा फेवरेट दुपट्टा उड़ गया। इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी लड़की रोती है, दूसरा ले लेना या मैं ला दूंगी। देखो हमारा गांव क्रॉस कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, तो हम लोग गांव क्यों नहीं जाते हैं, कितना मजा आएगा ना। अब यहाँ कोई नहीं रहता, तुम्हारे दादा दादी सब भगवान के पास चले गए, इसलिए हम सब लोग शहर चले गए। रागिनी अपने घर पहुँची और अपने रूम में चली गई, बैग अपने कमरे में रखा। उसका मोबाइल नीचे गिर गया, वो उठाने झुकी तो बेड के नीचे उसका दुपट्टा दिखा। वो चौंक गई कि ये दुपट्टा ट्रेन में उड़ गया था, वो यहाँ कैसे आ गया। उसने तुरंत ही उसे उठाया और अपने कंधे पर लेकर आईने में देखने लगी। उसके पीछे एक भूत खड़ी दिखी और वो हंस रही थी। उसकी लाल लाल आँखें, बिखरे बाल देखने के बाद रागिनी डर गई और चीखने ही वाली थी कि उसके मुंह पर भूतनी ने हाथ रख दिया, वो बेहोश हो गई। रात के 12 बज चुके थे, रागिनी के मम्मी पापा सो रहे थे। धीरे धीरे दरवाजा खुला, रागिनी के हाथ में चाकू था। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, पापा के पास आकर वो दांत पीसने लगी और उसका चेहरा लाल होकर चुड़ैल बन गया। चुड़ैल ने चाकू ऊपर की तरफ उठाया और राजेंद्र बाबू को मारने ही वाली थी कि राजेंद्र बाबू की नींद खुल गई, वो बेड से नीचे गिर गए, चाकू बेड पर ही फंस गया। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। रागिनी की माँ ने रागिनी को जोर से पकड़ा और 2 थप्पड़ दिए। उसके पापा भी उठ गए और रागिनी से चाकू लेकर दूर फेंक दिया। तुम मुझे मारना चाहती हो रागिनी बेटा, तुमको क्या हो गया रागिनी बेटा। मैं रागिनी नहीं हूँ, मैं सुरेखा हूँ, याद आया कुछ। सुरेखा? कौन सुरेखा? मैं वही सुरेखा हूँ जिसको तुमने धोखा दिया, याद करो कॉलेज के दिन की बात। सुरेखा और राजेंद्र एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये वो समय था जब जात पात बहुत ज्यादा ही मायने रखती थी और न मोबाइल था और न ही न्यूज चैनल। सुरेखा हम दोनों के प्यार को क्या हो गया, मम्मी पापा मानेंगे क्या? एक बार बात करके देखो, नहीं मानेंगे तो कुछ दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि साथ अगर जी नहीं सकते लेकिन मर तो सकते हैं ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ऐसा मत बोलो, हम घर से भाग जाएंगे, तुम कल सीतापुर स्टेशन पर आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा और भागलपुर एक्सप्रेस से मुंबई चले जाएंगे, वहाँ कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ठीक है तुम सही समय पर आ जाना। सुरेखा सुबह सुबह आ गई और राजेंद्र का इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गई लेकिन राजेंद्र नहीं आया। सुरेखा ने भागलपुर एक्सप्रेस के आगे कूद कर जान दे दी, लेकिन तुम नहीं आए और मैं उस स्टेशन पर आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे लेकिन आज आ ही गए। तुमको पता है मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम धोखेबाज हो, इस चुड़ैल से तुम शादी करना चाहते थे। नहीं मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर टूट गया, ये देख लो मेरा पैर। लेकिन बाद में मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिली, तुम्हारे घर वाले बोले कि वो गायब हो गई है, मैंने उसके बाद गांव छोड़ दिया। चुड़ैल थोड़ा नर्म पड़ने लगी। दर्दनाक प्यार की कहानी सुनकर रागिनी की माँ रोने लगी और बोली,
बहन, तुमने इनसे सच्चा प्यार किया है और जिसे हम प्यार करते हैं उसे दुख नहीं पहुंचाते। इसलिए मेरी बेटी और मेरे पति को छोड़ दो, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। एक काम करो, मुझे मुक्ति दे दो। कैसे कैसे मुक्त करूं? मेरे ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क दीजिए और ये दुपट्टा जला दीजिए, मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजेंद्र बाबू पूजा घर से गंगा जल लाकर रागिनी के ऊपर छिड़क देते हैं और उस दुपट्टे को जला देते हैं। रागिनी बेहोश हो गई। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन तब हमें अपने सब्र से काम लेना चाहिए। जतीन डी के कंपनी का ट्रक चलाता है। वो 45 साल के लगभग का मोटा व्यक्ति है। वो माल लेकर लंबी दूरी तक जाता है। आज माल लेकर गाजियाबाद जाना है। ट्रक में जानवर चढ़ाए जा रहे हैं, इनकी दुर्गंध से तो सांस लेना मुश्किल है, और फिर इतनी दूर जाना है। भाई जी, आज तो मुझे आपके साथ गाड़ी पर जाना है। जतीन और छोटू गाड़ी लेकर 12:01 तक गाजियाबाद के लिए निकलते हैं और लगभग 2 घंटे बाद चाय पीने के लिए रुकते हैं। छोटू, एक बार गाड़ी में हवा पानी चेक कर ले और जानवर भी देख ले, कोई मर तो नहीं गया? यदि कोई मर गया होगा तो उसे ही बेच देंगे। ठीक है, गाड़ी देख लेता हूँ। छोटू गाड़ी को चारों तरफ से चेक करता है। जैसे ही ट्रक के अंदर देखता है तो एक व्यक्ति सोता हुआ नजर आता है। उसे देखकर बोला, कौन हो तुम? बिना पूछे गाड़ी में कैसे बैठ गए? पर कोई जवाब नहीं मिलता है। क्या हुआ छोटू, किससे बातें कर रहे हो? वो भी पीछे जाकर देखते ही पूछने लगा, कौन हो तुम, कहाँ जाना है? लाश सिर से पैर तक कपड़े से ढकी थी। वो बार बार पूछते रहे, तभी भारी तथा कर्कश आवाज उभरी, मैं बीमार हूँ, मुझे जहाँ उतरना होगा मैं बता दूंगा। चलो सोने दो, बीमार है बेचारा। वो ट्रक स्टार्ट कर चल देता है। रात को करीब 10:11 ढाबे पर खाना खाने के लिए गाड़ी रोकता है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, उस आदमी से भी पूछ लेता हूँ, कुछ खाएगा क्या? बेचारा बीमार है। छोटू लाश से पूछता है, कुछ खाओगे क्या भाई? उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दोनों खाना खाकर आराम करते हैं और रात 2 के आसपास ट्रक लेकर निकलते हैं। तभी पीछे की आवाजें सुनकर छोटू बोला, भैया जी, पीछे ट्रक में कुछ चबाने की आवाजें आ रही हैं। जानवर भी दबी आवाज में चिल्ला रहे हैं। कुछ नहीं, जानवर आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए आवाज आ रही है। हड्डी टूटने व जोर जोर से खींच कर मांस खाने की चबर चबर आवाज आती है और जानवर दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं। छोटू केबिन की खिड़की से देखता है। उसे अजीब सी आकृति का आदमी, जिसके आधे शरीर में सिर्फ हड्डी और आधे शरीर में हड्डी के ऊपर मांस के लोथड़े लटक रहे थे, ये देखकर छोटू की दिक्कत बन जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं, अंदर क्या है ऐसा? जतिन ट्रक खड़ा करके खिड़की से देखता है तो उसे सब ठीक दिखाई देता है। छोटू, तुमने अंधेरे में जानवरों के उछलने और गिरने की आवाज सुनी होगी और परछाई देखी होगी, डरो मत। भैया जी, मुझे ट्रक में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जानवर बहुत अजीब आवाज में चिल्ला रहे हैं, जैसे किसी चीज से डर रहे हैं। करीब आधा घंटा बीतने के बाद पीछे से एक ठंडी और कर्कश आवाज आती है, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। थोड़ी देर रुको, बस्ती के पास पहुँच कर रोक देता हूँ, नहीं तो तुम्हें पैदल दूर तक चलना पड़ेगा। कहा जहाँ, अभी गाड़ी रोको। इतने में पीछे की खिड़की से एक हड्डी वाला हाथ आकर छोटू की गर्दन पकड़ लेता है। छोटू छटपटाने लगता है, अभी रोक रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। जतिन तुरंत ट्रक रोक देता है। छोटू की गर्दन लाश से छुड़ाने की कोशिश करता है पर सफल नहीं होता। जतिन लाइटर से गाड़ी पोंछने वाले कपड़े को जलाता है और छोटू की गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तब तक लाश छोटू की गर्दन मरोड़ लेती है। उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। वो चिल्लाने लगा, प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। लाश ट्रक की खिड़की से अपना सिर अंदर डालकर छोटू का खून पीने की कोशिश करती है। जतिन जलता कपड़ा उसके ऊपर डालकर ट्रक से उतरकर सड़क पर दौड़ता है और दौड़ते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। आँख खोलने पर जतिन स्वयं को ट्रक के साथ जंगल में पाता है। उसके सारे जानवरों को किसी ने खा लिया।
डर के मारे वो फिर से बेहोश हो जाता है। आँख खुली जब। बाबूजी, आँखें खोलो। आप यहाँ कैसे? रास्ता भटक गए क्या इस जंगल में? आपको तो बुखार भी है। जतिन गांव वालों को आप बीती सुनाता है। बाबूजी, इस रास्ते पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस कारण इस रास्ते पर ट्रक वाले 12 से 4 बजे के बीच में नहीं चलते हैं। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। बुखार व चोट के कारण आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। करीब 5 दिन बाद जतिन को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। वो गांव के एक व्यक्ति के साथ वापस लौट रहा होता है तो कुछ दूर चलने के बाद अचानक, ये मुझे क्या हो रहा है? आंखों के सामने वही लाश दिखाई दे रही और कानों में वही कर्कश आवाज वापस जाने के लिए कह रही। भैया जी, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इतना झूम क्यों रहे हो? तबीयत खराब हो रही है क्या? गाड़ी रोक दो, कहीं दुर्घटना ना हो जाए। गांव वाले के इतना कहते ही ट्रक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा जाता है। रफ्तार कम होने से ज्यादा चोट नहीं लगती है, किंतु मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, उंगलियों में ऐठन हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो जाता है। अरे अरे, उठो भैया जी। वो जतिन को ड्राइवर सीट से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, किंतु सफल नहीं होता। कुछ राहगीर सहायता करने आ जाते हैं और जतिन को बाहर निकालते हैं और होश में लाने का प्रयास करते हैं। बेहोशी में भी जतिन का शरीर कांप जाता है। कुछ देर बाद जतिन को होश आ जाता है। भैया जी, तुम्हारी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं लग रही है। ट्रक हम चला लेंगे, आप आराम से बैठो। हम शिव बाबा से विनती किए हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे। जतिन मुंह से कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ गूं गूं की आवाज निकल रही होती है। उसकी आंखें डर के कारण अभी भी फैली हुई हैं। उसे अपना सिर घूमता हुआ और भारी लग रहा है। वो लेट जाता है। बहुत परेशानी के बाद जतिन अपने घर पहुंच जाता है। गांव वाले आदमी ने सारा वाक्या ट्रक मालिक को बताया और जतिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 1 माह बाद उसे छुट्टी मिली अस्पताल से। अब मैं कभी भी ट्रक नहीं चलाऊंगा। मुश्किल से मेरे प्राण बचे। जय हो कान्हा, जय हो कान्हा। आज भी उस रास्ते पर 12 से 4 तक कोई वाहन नहीं चलता। एक बोर्ड सूचना के साथ लगा दिया गया है।